अर्चना जी। हेलो। हमेशा लोग कहते हैं पुलिस लेट आती लेट आती। हाँ। हालांकि सच ये है, हाँ। पुलिस दो घंटे पहले आ गई थी। हाँ। कि सुनने वालों का पहला प्रोग्राम नहीं खत्म होता। हाँ। पता नहीं कौन सी इनको खुशी चढ़ी है, गाने नहीं खत्म करते। गाने गाई जा रहे, गाने गाई जा रहे। खैर अर्चना जी, हाँ जी, खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। हाँ। लेकर प्रभु का नाम करते हैं चलान 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 मेरे हिसाब से। ओ शमशेर जी आए हैं। ओए 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 ओए। एक मिनट, इतने नंगे और इल्लीगल मुंह से तूने कानून का नाम लिया है, तेरा बनता ही है कोई साहब, कोई बड़े साहब, कोई चीफ जस्टिस, ऐसे बड़े बड़े शब्द लिया करो जब मैं आता हूँ। पर ये तेरा ढाबा बाहर क्या कर रहा है बे? ओ अंदर थोड़ी बिजली गई थी, बाहर हवा खाने के लिए आया। ढाबा बाहर ही होता है और बेडरूम के साथ थोड़ी अटैच होता है। एक तो तूने जो पहली लाइन बोल के कानून को गुमराह किया है। हाँ। और दूसरी लाइन बोल के तूने ये जो मानसिक उत्पीड़न किया है, तेरी दोनों बातों का चलान बनता है। गुमराह, उत्पीड़न, ऐसे वर्ड यूज करके आपको इधर साहित्य पुरस्कार नहीं मिलेगा। देखो, हाँ जी, कम शक्ल वाले आदमी, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा मुंह ही अच्छा बनवा लो तुम। पता नहीं इसका मुंह देख के मुझे क्यों लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं। चलो अपने मुंह की पीयूष दिखा, अपना ढाबे की पीयूष दिखा। चल, ए सूखी चाहिए ग्रेवी वाली चाहिए? पीयूष ही मांगी मैंने, कोई कड़ी पकौड़ा नहीं मांगा है। बकवास करता है सर, कैसी बात है। जल्दी से पीयूष सर्टिफिकेट दिखा, नहीं तो तेरी ऐसी जगह पे डंडा मारूंगा जहां से तू पोल्यूशन फैलाता है। सर ढाबा कौन सा पोल्यूशन फैलाता है? अच्छा तो ये जो तंदूर लगा है, इसमें से क्या नोरा फतेह निकल के मैया मैया करती है? धुआं निकलता कि नहीं? धुआं मींस पोल्यूशन, कागज निकाल। सर चलने वाली चीज धुआं छोड़े ना, उसका पीयूसी बनता है। इधर, हाँ जी, तू चल रहा है ना? हाँ जी। तेरा पीयूसी निकाल। मैं चलते चलते क्या धुआं छोड़ता हूँ इधर? सर आपको ट्रक, तंदूर और इंसान में कोई फर्क नजर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल नहीं, कानून सबको एक नजर से देखता है। अर्चना जी, कल मैंने एक औरत को एक नजर से देख लिया, पता ही नहीं मेरे पे भड़क गई वो, भीड़ इकट्ठी कर ली उसने। सर शुक्र करो आप पे केस नहीं किया उसने, आप बच गए हो। केस भी करती भी, मेरी बीवी मेरे पे केस क्यों करेगी? ऐसे कहो ना, बीवी को आप आंख मार सकते हो। बीवी को मार सकते हैं? तो कल मैंने हवलदार की बीवी को मारी, वो मेरे पे भड़क गया। आप किसी की बीवी को आंख नहीं मार सकते। ए तू कानून को कंफ्यूज कर रहा है, कभी कहता बीवी को आंख मार सकते, कभी कहता नहीं आंख मार सकते। तेरा 50,000 का चलान बनता है। सर बेकार बातों का 50,000 रुपया? अच्छा, बेकार बातों का सोनी से तू लाखों ले सकता है, पर हम 50,000 नहीं ले सकते। सर मैं गरीब आदमी हूँ, कोई और रास्ता हो तो बताओ प्लीज। देखो एक सोल्यूशन है, आज मेरा हवलदार नहीं आया जी, इधर हवलदार बन के खड़े हो जाओ। हाँ। जो भी गाड़ी आएगी, हाँ, तूने उसको रोकना है। अच्छा, नहीं रुकेगी आगे लेट जाना है। हाँ। अच्छा, उसने अगर गाड़ी मुझ पे चढ़ा दी तो तेरे नाम का इधर बेंच लगवा देंगे। हाँ। साथ में तुझे 1.5 तोपों की सलामी दे देंगे। और सर 1.5 तोप नहीं होती, 21 तोपों की सलामी होती है। 21 तोपों की सलामी तेरे मुंह पे बनती है? ये जो 1.5 तोपों की सलामी मिल रही वो भी मैं अंडर द टेबल डलवाऊंगा तुझे। हवलदार बनना है कि चलान भरना है? चलो प्रदीप बहनो, वेरी गुड। अब जो भी गाड़ी आए जस्ट चलान देम। हवलदार चंदू इज रिपोर्टिंग सर। अरे हाँ भाई, अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई, तुम चारा तो भेजो। अरे हमारी भैंसी आप भूख के आया, चारा भेजो, पैसा हम आरटीजीएस कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चारा भेजो। तेरे बाकी के 2 टायर कहाँ हुए? तेरा चलान बनता है? इस बात का चलान बनता है यार, कमाल का बात कर रहे हैं हम, ये को चला के थोड़ी ना आ रहे हैं। हाँ। अपने पैरों पर चल के आ रहे हैं। तुझे क्या लगता है ये जो वीडियो है चला के लेके जाने वाले पुलिस के सामने, ये सिर्फ तूने देखे? हमने भी देखे सारे वायरल वीडियो, कानून देखता है। इनफैक्ट मेरा अपना एक वायरल हो गया था कल वीडियो। वैसे प्यार प्यार में कमिश्नर साहब मेरे गर्दन में मुक्के मार रहे थे। 2.6 मिलियन लोगों ने देख लिया, मतलब इतना वायरल वीडियो को मैं इतना इतना जरूरत से ज्यादा फालतू बात हमको क्यों बताया आपने? तेरे सीनियर को तेरे सामने फालतू कराया, इसके कपड़े फाड़ दे, कॉलर से पकड़ के
किसी चीज को मैं कॉलर को हाथ नहीं लगाना, कॉलर ट्यून बजा देंगे तुम्हारा, समझ गए ना? तमीज से बात करो, मैं अभी अभी हवलदार लगा हूँ। तुम तो अभी अभी लगे हो ना, हम तो बचपन से ही बच्चा यादव हैं दोस्त। अच्छा धमकी ऐसे दे रहा जैसे बच्चा यादव कोई पोस्ट हो। पोस्ट नहीं तो क्या हुआ, पोस्ट बॉक्स तो लगी रहा है। तू मुंह ना खुला रखा कर, कोई चिट्ठी डाल जाएगा, मैं तेरे को कह रहा हूँ। महोदय बात को समझिए, पोस्ट बॉक्स लाल होता है, लाल। तो ये जो डंडा है ना, ये लाल करने के लिए रखा है। बाइक चेक करो इसका। सर क्या अपना पंचर तो नहीं लग रही, पिछले टायर में हवा थोड़ी कम लग रही है। थूक लगा के चेक करो, बुलबुले छोड़ रहे। बेवकूफ आदमी, तुझे मैंने हवलदार बनाया, तुझे पंचर की दुकान खोल के दिए। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ। और क्या होता है? पीयूसी है। हाँ, साथ में इंश्योरेंस भी है, आरसी भी है। ओए ओए ओए, जनाब इधर चेकिंग कर रहे हैं और तुम गाड़ी के पूरे पेपर लेकर घूम रहे हो। तुम्हें बड़े छोटे का ख्याल है कि नहीं है? सर मुझे तो लगता है किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। अच्छा तो मतलब क्राइम पेट्रोल वाला दिमाग यूज करना है। हाँ जी, मैं द कपिल शर्मा शो वाला कर रहा था। हमारे होते हुए वारदात को अंजाम। चलो जेल, चल चल। हम जेल क्यों चलेंगे, कागज पूरे हैं हमारे। कागज पूरे हैं तो तुझे पुलिस डिस्को में ले जाए तुझे। चल चल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन क्यों अंडर अरेस्ट, हमने किया क्या है? तुमने कुछ नहीं किया, ये लाइन में भूल जाता हूँ हमेशा, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मैंने गलती से एक आदमी को बोल दिया यू आर अंडर आर्म। अच्छा फिर? और कुछ नहीं, मेरे पास ऐसे जिक्र क्या आ गया, मेरे को इतनी उल्टी आई है, सारा डिपार्टमेंट समझ रहा था मैं मां बनने वाला हूँ। देखिए सर, आपकी बहादुरी कमाल की है, कमाल की। आपकी बहादुरी के लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि आपको पुरस्कार दे, इनाम दे, लेकिन अभी प्लीज हमें जाने दे। बच्चा बंदा आता तो अपनी मर्जी से यहाँ पे, लेकिन जाता हमारी मर्जी से। ओए तू हवलदार लगा, शकाल नहीं लगा इधर। एक काम कर, ये लेके जाए, ये स्कूटर के दोनों टायर निकाल और मेरी गाड़ी को लगा दे, पीछे लगे हुए, तो गाड़ी खड़ी मेरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, टायर ये छोटे टायर है, आपकी गाड़ी के बड़े टायर हैं। तो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलेगी, उसमें क्या है, गाड़ी में बैठ के ऊंट वाली फीलिंग आएगी। तेरा क्या जा रहा है बे? पी पी क्या कर रहा है? उसमें है हॉर्न, उसमें है, मुंह से बजा रहा है हॉर्न। देखिए प्लीज हमारी बात मानिए, हमें जाने दीजिए, हमारी भैंसिया भूखी है, उसे चारा खिलाना है, चारा खाएगी तो दूध देगी, हमारा बिजनेस है सर। स्मगलिंग है? मतलब भैंस को चारा दे के धोखे से उसका दूध निकालता है। अरे भैंसिया चारा खाएगी तो ही तो दूध देगी। तो काम कर, भैंस को एक दिन दूध पिला के देख, क्या पता चारा दे दे कि नहीं। भैंस चारा कैसे दे सकती है? अब देखो मुर्गी अंडा देती है कि नहीं देती है, और वो अंडा आगे से फिर मुर्गी देता है, तो लगता है तेरी केमिस्ट्री वीक है तेरी। अरे यार कमाल कर रहे हैं आप, अंडे के साथ केमिस्ट्री बीच में कहां से आ गई? मुर्गा मुर्गी की केमिस्ट्री होती है तो अंडा तक नहीं आता। और एक मिनट, हमारी बाइक कहां है? वो तो आपके हवलदार लेके चले गए, और वैसे भी हमारे पास फालतू टाइम नहीं है सर। देखिए ये रहा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, इसे देखिए और हमें जाने दीजिए प्लीज। ओ बच्चा, यस ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से तुम हो बच्चे यानी नाबालिग। तो बच्चा तो गाड़ी चला ही नहीं सकता, तुमने डायपर पहना है? नहीं। वो भी नहीं पहना? तुम्हारा 184,000 का चलान बनता है। अरे हमारा नाम सिर्फ बच्चा है, बाकी तन बदन से हम फुल्ली फर्निश्ड मर्द है। यार चंदू तुम तो ये बात जानते हो, बताओ ना। नो आई एम ऑन ड्यूटी, मैं सच नहीं बोल सकता। देखो रूल मतलब रूल, ये तुम्हें नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था। हेलो हेलो हेलो, मैं आ रही हूं। ओके बाय। ओए स्टपनी जैसे मुंह वाले, चलो गाड़ी साइड पे लगाओ। क्या हुआ सर? वीजा दिखा अपना। वीजा मतलब किसके लिए? इमिग्रेशन में तेरी बुआ बैठी, सात समंदर पार से तू आ गया है। बिगड़ बकवास करता, ज्यादा बोलो ना मुंह पे डंडा मारूंगा मैं। वो तो
लास्ट मोमेंट पे तुम्हें इसलिए बुलाया, लड़की को स्कूटर चलाना नहीं आता था, पर तुम इधर आके छाने की कोशिश कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। ओके सर, थैंक यू। अरे रुको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।